अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दरअसल दोस्तों, मैं अभी आया हूँ बाहर और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि मैं कुछ तिनके इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो किस लिए दोस्तों? कि हमारे जो डायमंड डव सॉरी वो हमारे जो खुमरे हैं दोस्तों, उन्होंने मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो मास्टर केज में हमारे ऐसा कोई ख़ास मटेरियल नहीं था, जो भी था वो सारे का सारा हमारी ज़ेब्रा फिंचेज उठाकर लेके अपने घर में चली गई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से मोटे थिक तिनके खुमरों के लिए उठाए जाएँ ताकि वो आसानी से अपना नेस्ट बना सकें। लेकिन यहाँ पर जो भी हैं सारे, ये गीले हैं अभी, ये सही नहीं रहेंगे। अगर ये अगर वो होते ना ड्राई तो फिर ज़्यादा अच्छा था। ये मोटे नहीं है ज़्यादा? ये मोटे तो हैं, लेकिन यार अगर हम यहीं उठा लें, ये नरम भी हैं, सुकून से अपना वो मोड़ भी लेंगे, है ना? पता नहीं, ये वैसे ठीक है ना? ठीक है यार, ये सूखे हुए नहीं होते, सूख जाएंगे, सूख जाएंगे, ये 2 दिन के अंदर अंदर सूख जाएंगे। तो यही उठा लेते हैं, चलो करते हैं। चलो चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने ये खुमरों के लिए उठा लिया और अब चलते हैं दोस्तों मास्टर केज में और अपने खुमरों के टोकरियों में ये रखते हैं ताकि वो आसानी से इनको फिर अपने हिसाब से बना सकें, क्योंकि ये नरम है, तिनके नरम है, आसानी से ये मुड़ जाएंगे उनसे। तो चले मास्टर के चलते हैं। और आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आज अपनी मुर्गी और चूज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यार जब से आपको मैंने बताया है, जब से अंडों से चूज़े निकले हैं ना, मुर्गी बेचारी वहीं छत पर ही रह रही है। तो ये हम दोस्तों रख के फिर मुर्गी को भी यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट अनाज है और मुझे कांटा भी लग गया। ये देखें दोस्तों, ये लगता है बहुत जालिम तरीके से ये चुपता है, ये छोटे छोटे हैं, बहुत ही सख्त हैं ये। तो मैं आपको ये दिखा रहा था दोस्तों कि यहाँ पर ये सारा अनाज है, शायद ये मकोड़ों का या चूंटियों का इकट्ठा किया गया है। और यहाँ पर अभी मैंने देखा कि चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा शौक से खा रही थी, तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक हुई कि क्यों ना मैं अपने चूज़ों को भी यहाँ पर लेकर आऊँ। आई होप उनको पसंद आएगा। ये अच्छा किया हुआ है यार इन्होंने तो, ओए होए होए सारा ख़राब कर दिया है। इसको मैं चुनूँ पहले? तो ये तो काम दोस्तों हो गया, अब मास्टर केज में चलते हैं। बल्कि यार यूँ करते हैं, इनको हम कुछ दिन के लिए धूप पर ही रखते हैं, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही से भारी है। अभी भारी है क्योंकि ये सूखेगा, सही हो जाएगा, सूखेगा सही हो जाएगा, ऐसा ही ना। अभी इनको लेके चलते हैं ना। हाँ फिर ऐसे ही करते हैं, चलें दोस्तों। इसको मैं ऐसे ही रहने देते हैं। इसको नहीं लेके जाओगे? कभी लेके जाएं? हाँ ना। अच्छा ये सारी फीमेल्स हैं, पता है? फीमेल अंडे आएंगे फिर तो? अंडे आएंगे, बस पल जाएंगे, इंशाल्लाह बड़े तो हो गए। यहाँ पर छोड़ दे, बल्कि हाँ इधर ही छोड़ दे। चलो जी निकलो, चलो 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 भागो। ओहो जी माशाल्लाह। ये देखो बिल्ली है, माशाल्लाह कितना प्यारी है। हुए। आपकी है ये? हुए। बड़ी ही सॉफ्ट और प्यारी सी बिल्ली है ये। कहाँ से ली थी? सामने वालों से। अच्छा ये आपकी है ना? अच्छा माशाल्लाह यार, ऐसी बिल्ली लें तो आप? कैसी लग रही है? अच्छी आप बताएं दोस्तों कैसी लग रही है? हम ऐसी लें बिल्ली या ना लें, आपने ये भी मुझे बताना है। ये तो लें, ये तो मुझे पसंद आ गई, मैं कह रहा हूँ ले लो। लग रही है यार सॉफ्ट बहुत ज़्यादा, ये देखो ना ऐसे लग रहा है जैसे कोई, ये अभी छोटी है ना, सॉफ्ट कंबल वैसे लग रही है। इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये चली जाएगी, घर चली जाएगी, भाग जाएगी।
इसको मुर्गी को दिखाते हैं। हाँ दिखाओ, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है। ये देखो चूजे को दिखाओ, इधर रख तो नहीं, भागती तो नहीं है ये, वो भागती देखो, वो है देखो, वो देखो, वो देखो। उई उई डर गई। इसको छोड़ो, छोड़ दो छोड़ दो, ये भी डर रही है, वो भी डर रहे हैं। देखो मुर्गी डर गई, बच्चे भी डर गए। इसको यार ये तो प्यारी बिल्ली है, कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। अब चलो इसको वापस देते हैं बच्चे को, बहुत ही प्यारी बिल्ली है यार। यार हमें दे दो, हमें दे दो यार। नहीं यार प्यारी भी उसकी बिल्ली है। चलो चलो ले जाओ, ऐसी लेंगे है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मैं फर्स्ट टाइम किसी बिल्ली को पकड़ रहा हूँ दोस्तों, पहले मैं किसी बिल्ली को नहीं पकड़ता था, क्योंकि प्यारी है इतना तो मेरा दिल कहने लग गया कि चलो जिसको उठाते हैं। तो दोस्तों अब हम इनको वापस घर लेकर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बाहर घूम रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर लिया इन्होंने और आप देख भी सकते हैं। तो इनको अब हम पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं वापस। ऐसे घर की तरफ ले जाओ, पकड़ने से अच्छा है। कुछ चलेगी दोस्तों, नहीं जी दोस्तों आज हमारे चूजे बाहर की सैर करके आ गए हैं और जी मुझे उम्मीद है बड़ा मजा आया होगा इनको। तो चले जी, आज की सैर थी इनके लिए और हमारे लिए भी दोस्तों एक इंटरटेनमेंट हो गई, बिल्ली को मैंने पकड़ा है फर्स्ट टाइम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में दिहाज को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।